आईपीएल में भले ही दिल्ली कैपिटल्स को कोविड की मार झेलनी पड़ी हो, लेकिन मैदान पर उनका प्रदर्शन का स्तर अलग लेवल का रहा है। पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली के धुरंधरों ने पंजाब किंग्स की खटिया खड़ी कर दी और चारों खाने चित करते हुए एक तरफा अंदाज में किंग्स को बुरी तरीके से हरा कर सीजन में किया है जबरदस्त पलटवार। तो आखिर कैसे डीसी की टोली ने पंजाब को चटाई धूल और क्या रहे दिल्ली की जीत के मायने, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। मुंबई के सीसीआई स्टेडियम में दो महत्वपूर्ण अंकों की लड़ाई में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक शानदार मुकाबला खेला गया, जहां टॉस जीतकर डीसी के कप्तान ऋषभ पंत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि पंजाब ने विस्फोटक शुरुआत की और कप्तान मयंक अग्रवाल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आते ही चौके जड़ने शुरू कर दिए और शिखर के साथ पहले 21 गेंदों में ही 33 रन जोड़ दिए। लेकिन यहां से डीसी टोली ने जबरदस्त वापसी की, जहां चौथे ओवर में ऑफ स्पिनर ललित यादव ने शिखर को 9 रनों के निजी स्कोर पर बाहर भेजकर किंग्स को पहला झटका दिया। तो वहीं अगले ओवर में मुस्तफिजुर ने शानदार लय में दिख रहे विरोधी कप्तान मयंक को आउट कर किंग्स का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से बिखेर दिया। इससे पहले कि पंजाब दो बड़े झटकों से उबर पाती, लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल ने इनफॉर्म लिविंगस्टन को सस्ते में पवेलियन भेजकर दिल्ली को एक बड़ी कामयाबी दिला दी, जिसके बाद 33-1 से पंजाब 46-3 हो गई और पहले 6 ओवर में ही किंग्स बैकफुट पर दिखाई देने लगी। हालांकि इसके बाद युवा विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने एक एंड संभाले रखा, पर दूसरे एंड से जॉनी बेरेस्टो सिर्फ 9 रन बनाकर एक खराब गेंद पर अपना विकेट दे बैठे, जिसके बाद 54 के स्कोर पर किंग्स ने अपने 4 प्रमुख बल्लेबाज गंवा दिए और डीसी ने मैच को बिल्कुल अपने नियंत्रण में कर लिया। हालांकि जितेश और शाहरुख की जोड़ी ने थोड़ी देर के लिए विकेट गिरने का सिलसिला रोके रखा। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 31 रनों की छोटी साझेदारी हुई, लेकिन आज ग्राउंड पर सिर्फ दिल्ली की टीम ही छाई हुई थी। जैसे ही एक साझेदारी पनपी, अक्षर पटेल ने जितेश को अपना दूसरा शिकार बनाया और 85 के स्कोर पर किंग्स को 5वां झटका लगा और फिर पंजाब की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 14वें ओवर में कुलदीप ने रबाडा और एलिस को बाहर का रास्ता दिखाया, तो वहीं खलील ने इकलौते बल्लेबाज बच चुके शाहरुख खान को भी 12 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर किंग्स की बची खुची उम्मीद भी खत्म कर दी। 92 रनों पर ही पंजाब के 8 बल्लेबाज धराशाही हो गए और डीसी ने मैच में शिकंजा कस लिया था। अब तो पंजाब के लिए जैसे 20 ओवर खेलना ही बड़ी चुनौती बन गई थी। हालांकि किसी तरह राहुल चाहर ने बल्ले से 12 गेंदों में 12 रन बनाए और पंजाब को 100 का आंकड़ा पार करा दिया। लेकिन बावजूद इसके 20 ओवर के बाद पंजाब किंग्स 115 के स्कोर पर ही ढेर हो गई और इस सीजन का सबसे न्यूनतम स्कोर अपने खाते में दर्ज कर लिया। डीसी के लिए कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ललित यादव और खलील अहमद सभी ने 2-2 विकेट झटके। वहीं मुस्तफिजुर ने भी एक सफलता अपने नाम की। 116 के जवाब में दिल्ली के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले ओवर से ही पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दोनों ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए और वार्नर शाह की जोड़ी को बल्लेबाजी करता देख ऐसा लगा कि आज ये दोनों मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करने के मूड में ही उतरे थे। चौके और छक्कों की बरसात करते हुए वार्नर और पृथ्वी ने पहले 6 ओवर में ही 81 रन जड़ दिए और दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करके इतिहास ही रच दिया। हालांकि पृथ्वी शाह 20 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के के बदौलत 41 रनों की धुआंधार पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन वार्नर ने 26 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का 53वां अर्धशतक जड़ दिया और दिल्ली कैपिटल्स ने मात्र 10.3 ओवर में ही 116 रनों के लक्ष्य को हासिल कर एक और इतिहास बनाया। दिल्ली कैपिटल्स सबसे तेज 100 से ऊपर रनों के लक्ष्य का पीछा करने वाली पहली टीम बन गई। उन्होंने 57 गेंद बाकी रहते ही 9 विकेट से पंजाब किंग्स को करारी हार थमा दी। दिल्ली के लिए डेविड वार्नर ने 30 गेंदों में 60 रन बनाकर नाबाद रहे, तो वहीं सरफराज खान ने भी 12 रनों का योगदान दिया और एक बड़ी जीत हासिल करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में 6वें स्थान पर काबिज हो गई है और उनका नेट रन रेट सभी 10 टीमों से काफी बेहतर है। तो दोस्तों, आप ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स को मिली धमाकेदार जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।